दोस्तों, सब्जी की दुकानों पर सजी हुई लंबी सफेद सफेद पत्तेदार मूलियां देखकर मन मचल उठता है। मूली का साग तो स्वादिष्ट बनता ही है, मूली के पराठों का कहना ही क्या, खुद ही आजमा कर देख लीजिए। लेकिन उससे पहले दीपा जी को सुनिए जरूर। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाते हैं मूली के पराठे। मूली का पराठा बनाने के लिए हमने एक मूली ली है। इसे हमने छील कर धो के कद्दूकस कर लिया। 2 कप गेहूं का आटा, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून कसी हुई अदरक, थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और पराठे सेकने के लिए वेजिटेबल ऑयल। मूली का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम मूली को हाथ से निचोड़ लेंगे। इसका जितना पानी होगा वो इसमें हम निचोड़ लेंगे, इस तरह से करके। इसको हम मूली को आटे में मिला देंगे। अब इसमें हम नमक डाल देंगे, मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला, कसी हुई अदरक, हरी मिर्च और धनिया की पत्ती और 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल मिला देंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो मूली का पानी निकाला हुआ था उससे हम आटा को गूंथ लेंगे। हमने इधर आधा कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम आटे को गूंथ लेंगे। आटे को हमने अच्छे से गूंथ लिया है। अब हम 10 मिनट के लिए इसको सेट होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, आटा सेट हो चुका है। अब हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा इसको और गूंथ लेंगे। अब हम इसके अमरूद के साइज की थोड़ा मीडियम लोई हाथ में ले लेंगे। इस तरह से गोल लोई तैयार कर लेंगे। अब इसको सूखे आटे में इस तरह लपेट के रोटी की तरह बेल लेंगे। इधर हमने गैस पे तवा रखा है गर्म होने के लिए। थोड़ा सा आटा और लपेटते हैं सूखा। पराठा ना बहुत ही मोटा बेलना है और ना बहुत ही पतला। तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम पराठे को तवे पर डालते हैं। इधर हम दूसरी लोई तोड़ लेते हैं और इसको हम बनाएंगे तिकोना। इस तरह हम गोल बॉल की तरह बना लेंगे और इसे हम सूखे आटे में लपेट के थोड़ा सा बेल लेंगे पूरी की शेप में।
और थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। इसको तिकोना इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। सूखा आटा लपेट के इसको भी बेल लेंगे। थोड़ा सा आटा और लगाएंगे। अब इसको हम पलट लेते हैं। इस पे हल्की सी ब्राउन चित्ती आ गई है। अब इस पे हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे। दूसरे साइड भी ऑयल लगा के अच्छे से सेक लेंगे। इस तरह से दबा दबा के सेक लेंगे अच्छे से। मूली के पराठे को हम भर कभी बना सकते हैं। उसका पानी निचोड़ के उसको हल्का सा भून कर और सारे मसाले डाल के तब उसको हम भर के बना सकते हैं। इसको निकाल लेंगे प्लेट में। अब हम तिकोना पराठा इसमें डालते हैं। इसे भी हम ब्राउन चित्ती आने तक सेक लेंगे। अब इसे हम इधर से पलट देंगे। ये ब्राउन चित्ती एक तरफ से आ गई है। अब हम उधर से ऑयल लगाते हैं। भरवा पराठे का स्वाद जाड़ों में ही बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह करके हम सारे पराठे बना लेंगे। मूली के पराठे बनके तैयार हो गए हैं। इसे आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में एंजॉय करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।